वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनीज कलेक्शन। मैं हूँ शालिनी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने बालों में कौन सा कोम्ब यूज़ करती हूँ। जी गाइस, दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो एंड मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है जिनका नाम है लावी जी। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं ये वीडियो ज़रूर से बनाऊँ कि मैं कौन से कोम्ब यूज़ करती हूँ। सो हियर आई एम। एक्चुअली मुझे उनका जो कमेंट था वो पढ़ के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आपके बाल असली हैं तो अपना हेयर केयर टिप्स शेयर करें हमारे साथ। सो जी हाँ, मेरे बाल असली ही हैं एंड दिस वाज अ वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स अ लॉट। चलिए जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने कोम्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बट उससे पहले आप एक बार एक लुक ले लें मेरे बालों का। बाल काफ़ी अच्छे और लंबे थे मेरे पहले, अभी भी लंबे हैं बट उतनी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पा रही हूँ अपने बालों की। बट या जो थोड़ा बहुत मैं कर पाती हूँ वो मैं डेफिनेटली करती हूँ बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज़ कि बाल जो है वो एक इट्स लाइक ज्वेलरी। इस बालों से ही जो हमारा ओवरऑल लुक है वो एक अच्छा खिल के आता है। तो जैसे हम अपने ज्वेलरी को संजो के रखते हैं वैसे ही आई बिलीव कि हमें अपने बालों का भी उतना ही केयर करना चाहिए। थोड़ा बहुत जैसे लॉकर में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया ज्वेलरी को संभाल के रखने के लिए, वैसे ही हमें अच्छे शैम्पू, अच्छे कंडीशनर, अच्छे कोम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइज आप चेकआउट कीजिए मेरे कोम्स एंड बट उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड द लाइक आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। ये रूट कंपनी आती है, उसका कोम्ब अभी फ़िलहाल मैंने ले रखा है। जो कोम्ब्स मैं यूज़ करती हूँ वो है ये। मैं यूज़ करती हूँ हैंडमेड कोम्ब्स जो कि इस तरह के होते हैं, इस तरह के कलर में आते हैं। ये वेगा, रूट्स या फिर नॉन ब्रांडेड भी हैंडमेड कोम्ब्स आते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप भी लेने का सोच रहे हो तो आप रूट्स का ही लें, आप चेकआउट कर सकते हैं। बस ये देखिए कि आप हैंडमेड कोम्ब यूज़ करें। अब मैं आप लोगों को हैंडमेड कोम्ब्स की खासियत भी बताऊंगी। स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बताऊं, पहले गाइज मैं यूज़ करती थी प्लास्टिक कोम्ब्स। तो प्लास्टिक कोम्ब जो कि इस तरह के आते हैं, मैक्सिमम लोग ये वाला यूज़ करता है। बट अब मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ ऐसे कोम्ब मत यूज़ करें। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। एक जो सबसे बड़ा इसका कॉन है वो है कि इससे जो जब आप हेयर कोम्ब करते हैं ना प्लास्टिक कोम्ब से, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिफाइड हो जाते हैं, स्टैटिक एनर्जी जनरेट होता है। तो बाल आप देखिएगा कि पूरे ऐसे ऐसे खड़े होने लगते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, जिसके वजह से बालों में बहुत ज़्यादा ब्रेकेज होते हैं एंड बाल हेयरफॉल भी होने लगता है बिकॉज बहुत बार वो हमारे स्कैल्प पे जो हेयर क्यूटिकल्स होते हैं उसको डैमेज कर देता है। तो उसकी वजह से हेयरफॉल्स वगैरह भी होते हैं। एंड ये कोम्ब जो है ये काफ़ी हल्का फुल्का सा होता है, बहुत इजीली टूट जाता है। बहुत बार इसके जो टीथ होते हैं वो आप देखिएगा कि टूट गए एंड इसके ये जो एजेस होते हैं ये बहुत शार्प होते हैं। ये स्कैल्प पे अगर आप कोम्ब करते हैं बहुत बार ये स्क्रैचेस पड़ा देता है। इट्स नॉट सेफ ऑल्सो इन लॉन्ग टर्म, ये बालों को बिल्कुल रफ एंड ख़राब कर देता है। कोम्ब एक ऐसी चीज़ है जो आप दिन में कम से कम 4 से 5 बार अपने बालों को कोम्ब करते होंगे, तो वो एक अच्छा रखना चाहिए। ये कोम्ब मैं मानती हूँ कि 10 से 20 रुपए में मिल जाता है। बट एक तो ये ज़्यादा दिन चलता नहीं, प्लस ये इन फ्यूचर इन लॉन्ग रन ये ख़राबी करता है, आपके बालों को ख़राब करता है। जब मैं स्कूल डेज में थी आई यूज टू कोम्ब विद दिस। बट जब जैसे ही मैं कॉलेज गई ना, मेरे बालों में बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होने लगे एंड बाल फ्रिजी हो गए थे, बिल्कुल ऐसे ऐसे थे मेरे बाल। तो मैंने बहुत सर्च किया कि क्या करूं, फिर आई केम अक्रॉस दीज हैंडमेड कोम्ब्स। तो मैंने सोचा एक मैं ट्राई करके देखती हूँ। इन 2004-2005 मैंने एक यूज़ किया था एंड उस टाइम पे ही मुझे एक्सपेंसिव लगा था क्योंकि 150 या 160 का मिला था। बट गाइज बिलीव मी, ऐसा कोम मेरा ऑलमोस्ट आई थिंक उसके बाद 5-6 साल मैंने उसे चला लिया एंड वो मेरे बाल की क्वालिटी टाइम विद द टाइम अच्छे होते गए। तो अब ऐसा हाल है कि गाइज मैं इस कोम के अलावा और कोई कोम यूज़ ही नहीं कर पाती हूँ। प्लास्टिक कोम्ब तो मैं बिल्कुल अपने बालों पे नहीं लगाती, बिल्कुल आराम नहीं लगता मुझे इसे यूज़ करने के बाद। तो अब मैं आपको इसकी खासियत बता दूं। इस कोम्ब को हैंडमेड कोम्ब इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो इसके एजेस हैं उसको हैंड से स्मूथ किया जाता है एंड पॉलिश किया जाता है इसको बिल्कुल हैंड से। तो ये इस तरह का होता है। बिकॉज ऑफ दैट जब आप इससे कोम्ब करते हैं अपने स्कैल्प पे तो स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है एंड जो हमारे नेचुरल ऑयल्स होते हैं स्कैल्प पे, वो बहुत बार एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो जब आप इससे कोम करते हैं तो बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन जो कि अच्छी तरह से होने लगता है, वो ऑयल्स आपके हेयर शाफ्ट में जाते हैं और आपके बालों को और अच्छा करते हैं। तो ये एक इसकी खासियत है। एंड दूसरी कि ये जो है ये बना हुआ होता है नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, तो इससे स्टैटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, तो इससे बाल इलेक्ट्रीफाइड नहीं होते हैं एंड उसकी वजह से फ्रिजी नहीं होते हैं, तो ब्रेकेज नहीं होता एंड हेयरफॉल नहीं होता, बहुत कम ब्रेकेज होता है। तो यस, मुझे ये वाला कोम बहुत ज़्यादा पसंद है। आजकल बहुत ज़्यादा मैं सुन रही हूँ कि वुडन कोम भी अच्छे होते हैं एंड मैं भी सोची हूँ ट्राई करने का, बट अभी तक मुझे मौका नहीं मिल पाया। बट वुडन कोम मैं इसलिए भी नहीं लेना चाहती ना, बिकॉज उसके जो टीथ होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, लाइक मोटा कोम होता है वो, तो वो बालों को सुलझाने के लिए ठीक है। बट ऐसे पतले वाले जो कोम होते हैं ना, उससे आप अगर शैम्पू करते हैं एंड देन यू कोम्ब योर हेयर विद दैट, तो आपके बाल ऑटोमेटिकली स्ट्रेटन भी हो जाते हैं। तो इसलिए भी मैं ऐसे ये क्लोज टीथ वाले कोम प्रेफर करती हूँ। मैंने इस तरह के ना 3 कोम ले रखे हैं। एक तो ये, जैसे कि शैम्पू करने के बाद मैं इसे कोम करती हूँ ताकि स्ट्रेट हो जाए मेरे बाल। बाल अगर बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं तो इस तरह का मोटा कोम यूज़ करती हूँ मैं। ये देखिए टीथ इसके कितने दूर दूर हैं, तो बहुत इजीली इससे बाल सुलझ जाते हैं। मैं अगर वुडन कोम लूँगी भी तो सिर्फ इसी पर्पस के लिए लूँगी, बालों को सुलझाने के लिए। एंड थर्ड जो है ये छोटा सा है कोम, इसे मैं ट्रैवलिंग के लिए रखती हूँ, या फिर अगर मुझे बिल्कुल टचअप करना है, लाइक अभी मैं बैठी हुई हूँ एंड जस्ट मेरे बाल सुलझे हुए हैं बट जस्ट आई वांट टू गिव अ टचअप, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। तो ये 3 कोम्ब है जो मैं यूज़ करती हूँ हैंडमेड। 4th कोम्ब जो है वो है ये ब्रश, जो मैं मोस्टली मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट जब मैं अपने बालों को लाइक स्ट्रेटन करना चाहती हूँ तो देन मैं इसे लाइक इसे पकड़ के एंड देन विथ हेयर ड्रायर या फिर हेयर स्ट्रेटनर मैं इसे स्ट्रेटन कर लेती हूँ। तो ये सिर्फ उसी काम आता है। ये जो कोम्ब है इसका प्राइस है 240 रुपीज़ एंड कुछ अमेजोन पे डिस्काउंट है तो ये 200 के करीब आप लोगों को मिल जाएगा। एंड आपको लगेगा फर्स्ट टाइम आपको ये परचेज करने में कि 200 रुपये का कोम ले रहे हैं, मुझे भी लगा था जब मैंने फर्स्ट टाइम परचेज किया था, बट बिलीव मी गाइज ये आपका 5 साल 6 साल जब तक कि आप इसे भुला ना दें या ये आपका टूट ना जाए, टूटना भी इसका मुश्किल ही है, भुला ना दें तब तक ये चलता रहेगा, कुछ नहीं होता इसमें। तो ये एक लॉन्ग रन के लिए आपके साथ रहेगा, प्लस ये बहुत अच्छा है आपके हेयर के लिए। तो वो 20 रुपीज़ का कोम लेने के बाद हर 2-3 महीने में वो टूट जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है, बाल भी ख़राब हो रहे हैं, उससे तो बहुत ही अच्छा है कि एक वन टाइम आप एक इन्वेस्टमेंट कर ले अच्छे कोम में। तो बस यही 4 कोम्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। ये था मेरा आज का वीडियो, बस इतना ही सा चीज़ मैं शेयर करना चाहती थी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, आपके काम का रहेगा ये। तो अगर हाँ तो प्लीज़ गाइज मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। एंड कुछ क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। एंड गाइज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, मुझे थोड़ा सा इनकरेज करें सब्सक्राइब करके। बहुत बार ऐसा लगता है ना कि जो मेहनत कर रही हूँ उसका कुछ फल मिल भी रहा है या नहीं, तो प्लीज़ गाइज अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को एंड बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू एंड गुड लक, बाय।